अब आप खुद ही गौर करें कि जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग बात करते हैं कि विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि बॉम्बे के लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों से ज्यादा बॉम्बे के लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए, रिजर्वेशन रखो बॉम्बे वालों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा रखिए। क्यों रखें? सही है गलत है? नहीं, गलत इसलिए है कि एक आदमी की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को देखकर होना चाहिए। बॉम्बे और दिल्ली की वजह से तो नहीं होना चाहिए। अगर बॉम्बे और दिल्ली की वजह से किसी शहर या किसी नस्ल गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना। फिर किस बुनियाद पे ये बात सही हो जाती है कि औरतों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन क्यों? अगर वो केपेबल मैन पावर है तो लेट देम गेट जॉब्स ऑन मेरिट, रिजर्वेशन करके क्यों लाना चाहते हो? तो अगर आप एक तरफ कह रहे हो कि वुमेन्स इक्वालिटी और इक्वालिटी के अंदर फिर आप रिजर्वेशन रखना चाहते हो, क्या इक्वालिटी हुई? अनइक्वल हुआ। अगर मैं कहूं कि आई बिलीव इन इक्वालिटी, बॉम्बे वालों के लिए रिजर्वेशन होने चाहिए, दिल्ली वालों की जगह बॉम्बे वालों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन हो, तो आप आई थिंक अभी जो ये मसला उठाया जाता है वो शायद इसलिए उठाया जाता है क्योंकि इस वक्त कम है, लाइक जो भी सोसाइटी, जो भी लोग जॉब्स में दूसरी दीगर चीजों में कम है, उनको बस अपलिफ्ट करने के लिए अभी उनको एक रिजर्वेशन देने के लिए। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर इस वक्त कम है, वो एक नेचुरल फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड केपेबिलिटी की वजह से जो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट का मामला है जॉब के लिए, जो मार्केट में सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा। बाय द वे, आपको ये बात तो पता होगी शायद कि जितना एक एवरेज मैन कमाता है उससे बहुत कम एक एवरेज वुमन कमा पाती है कंपैरिजन में। इवन इन अमेरिका, अमेरिका जैसी कंट्री में भी औरतें जितना कमाती हैं उससे ज्यादा मर्द कमाते हैं, दे आर पेड मोर। व्हाई? एक सवाल है, सवाल उठ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड दीज एक्स्ट्रा सपोर्ट्स, ये एक सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्शन है। ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों को जॉब्स मिलना चाहिए, ऑन द अदर साइड रिजर्वेशन करके एक ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों के लिए इक्वालिटी है, ऑन द अदर साइड एक रिजर्वेशन वाली बात की, फिर इक्वालिटी की बात मत बोलिए, ये कंफ्लिक्ट कर रही है। ये बात एक चीज है जो कंफ्लिक्ट करती है, ये इट्स इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शन। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया।